तहरीक इंसाफ की लाड़काना में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। हलीम आदिल शेख कहते हैं कुछ अगल के अंधे कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रैली उनके लिए पैगाम है। पीटीआर रहनुमा की पीपी क़यादत पर भी तनकीद, कहा सिंध के हुक्मरानों ने लाड़काना के लिए कुछ नहीं किया, लोगों को साफ पानी मयसर है और ना ही इंसाफ, लेकिन बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ अकल के अंधे जो पैगाम देना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, सिंध के 6 करोड़ मोहब्ब वतन पाकिस्तानी पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ हैं। लाड़काना मजलूम शहर, लाड़काना के साथ बहुत ज्यादती की है सिंध के हुक्मरानों ने। सिंध के हुक्मरानों ने सिर्फ बात करते हैं, बिलावल जरदारी इस्लामाबाद जाकर बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ ना लोगों के साफ पानी है, एड्स यहाँ लग चुकी है, दवाइयाँ यहाँ बिकती हैं, इंसाफ यहाँ नहीं मिलता है, पुलिस वाले को थाने में घुस के यहाँ जूते मारे जाते हैं। 2 महीने से एक बच्ची कूंज खोखर के साथ ज्यादती हुई, उसके कातिल नहीं पकड़े जा रहे। आज इंसाफ की बालादस्ती के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए और इंशाल्लाह सिंध के पूरे सिंध को बताने के लिए कि सिंध कौमी धारे में किसी से कम नहीं है, बहुत बड़ी रैली है, अभी तो शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है इंशाल्लाह।